सपा सांसद अफजाल अंसारी अपने गांजे को वैध बनाने वाले बयान से विवादों में आ गए हैं। बता दें कि उनके खिलाफ गाजीपुर में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने कहा था कि भांग की तरह ही गांजे को भी कानूनी वैधता दी जानी चाहिए। वहीं उनके इस बयान को लेकर हिंदू संगठनों और साधु संतों ने विरोध किया है। इसके तहत ही अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सनातन धर्म संस्कृति का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से गिरफ्तारी की मांग की। इसी कड़ी में सांसद अफजाल अंसारी के गांजा वाले बयान पर गौराबाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया है। सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा संतों का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान, क्योंकि कुंभ मेले पर इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। वहां पर उनके खिलाफ गाजीपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे दुर्दांत समाजद्रोही, दुर्दांत समाज में जो द्वेष फैलाने वाले खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में घूमते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं, एक तो सांसद हुए और सांसद होने के बाद इस प्रकार से बयान देना, सनातन और सनातन संस्कृति और संतों का अपमान करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए साधुवाद, लेकिन जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं और तत्काल पूज्य योगी जी महाराज इसकी गिरफ्तारी कराएं।